اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغو إنه بما تعملون بصير محترم صدر جلاس माए किराम, मेहमाना नेज़ाम परद नशीन माओ और बहनों हम्दो सलात के बाद सराह की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है इस आयत में अल्लाह रब्लम ने इर्शाद फरमाया फतकीम कमा उमिरत कि तुम्हें जैसा हुकुम दिया गया है वैसे इस्तकामत इख्तियार करो दीन पर जमे रहो इस ईसायत करीमा में जो हकम हुआ है हम और आप अगर उस उसकम पर गौर करें तो हमें ये बात वाज तौर पर समझ में आती है कि दीन पर हमारी इस्तकामवाहिशों के मुताबिक नहीं हमारे राय के मुताबिक नहीं या हमारे अपने अक्ल या हमारी सोच के मुताबिक नहीं बल्कि साफ़ तौर पर अल्लाह आलमीन ने कहा कि कमा उमिरत कि तुम्हें जैसे हुक्म दिया गया है वैसे दीन पर साबित क़दम रहो वैसे इस्तेकामत इख्तियार करो तो यहीं पर यह बात हमें समझ में आ जाती है कि दीन पर इस्तेकामत जैसा हुक्म हुआ है वैसे रहना है तो उसके लिए जो अहकाम है उसका इल्म हासिल करना हमारे और आपके लिए एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है रसूल अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और दाएं बाएं और भी ख़तूत लकीरें खींची और साहबा को मिसाल के तो मिसाल देते हुए फरमाया कि यही सीधा रास्ता है यही सिरात मुस्तकीम है अगर तुम दाएं, बाएं अगर जाओगे तो राह इस्तेकामत से तुम गुमराह हो सकते हो तो राह इस्तेकामत जो है सीधा रास्ता जो है वो रास्ता कौन सा है उसका इल्म हमें और आपको हासिल करना ज़रूरी है लसान नबूत में मुख्तर तौर पर इन अलफाजों में इर्शाद फरमाया गया

मना किया है नवाही बताए हैं उसका इल्म हो जब तक ये इल्म नहीं होगा इंसान राह इस्तेकामत इख्तियार नहीं कर सकता हमें और आपको शरीय इस्लामिया ने हर मामले में इल्म हासिल करने की तरगीब दिलाई है अकीदे का अगर मामला है तो अल्लाह ने कहा कि फ़ालम अन्ला तुम इस बात का इल्म हासिल कर लो ये जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई अला नहीं है इबादत के तल्ल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लु कमा तुमोनी उसल्ली कि मैं जैसे नमाज पढ़ रहा हूँ वैसी नमाज तुम पढ़ो और एक साहब गैर तरीक़े से नमाज पढ़ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा उन्हें टोका और कहा कि इर्ज फसल्ली फ़ान्न कलम तुसल्ली तुम लौटो दोबारा नमाज़ पढ़ो तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी क्यों इसलिए कि वही तालीमातः नबवी के मुताबिक सही अहकाम के मुताबिक वो नमाज अदा नहीं हो रही थी मोहतरम हजरात हमें और आपको हुक्म दिया गया कि हम दीन का जो भी काम करें जो भी अमल करें वो अच्छे तरीके से करें उसमें मजबूती हो उसमें पायदारी हो उसमें इस्तकाम हो उसमें हमेशगी हो रसूलुल्लाह सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किब आम हो कि तुम में से अगर कोई शख्स कोई अमल करता है तो उस अमल में इतकान होना चाहिए उस अमल के अंदर बेहतरी होनी चाहिए मजबूती होनी चाहिए और एक हदीस में फरमाया कि किल कतबसान अलाकुल्लिस के सिर्फ इबादत के मामले में नहीं बल्कि जिंदगी के हर उमूर में शरीयत की तलीमत के हर उमूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात लिख दी है कि इंसान जो भी काम करे वो एहसान के दर्जे में करे बेहतर से बेहतर अमल करे बेहतर से बेहतर अमल उसी वक्त हो सकता है जब हम और आप उसका इल्म हासिल करें उसके बारे में हम मालूमात हासिल करें और सहाबा किराम का यह शेवा था कि वह रसोल्ला सल्ह वसलम से सवालत करतेम हासिल करते मालूम हासिल करते कि हमें फलाँ काम करना है वो अमल कैसे किया जाए वो हुक्म फलाँ मामले में कैसे हुक्म अल्लाह ताला का हुक्म क्या है रसूलुल्लाह का हुक्म क्या है म नबवी क्या हैं ये सहाब कराम रसोल्ला वसलम से पूछा करते थे ये खदीस में रसोल्ला वसम से एक सहाबी सुफियान बिन आब्दुल्ला सख़ रजी अल्ला सवाल करते हैं के रसूल कल फ़िल इस्लामी कऊला के रसूल मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं उसके बाद कोई आपसे सवाल ना करूं उस पर अमल करूं और कामयाब हो जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल आमन तब्लस्तकिम कि तुम ये ये कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लेकर के आया और मैं उस पर मजबूती के साथ जम गया मैंने उस पर इस्तकाम इख्तियार कर ली इस हदीस में जहां बहुत सारी बातें हमें मालूम होती हैं वहां एक बात ये भी मालूम होती है कि साहबा कर वसल्लम से सवाल बहुत करते थे सवालात करते थे ताकि दीन को सीखें इल्म को हासिल कर सकें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इस्तेकामत जो हम इख्तियार करना चाहते हैं इस्तेकामत अल्लाह ताला के तवामिर की पाबंदी और नवाही से इस्तेनाब करना और उस पर मुदावमत इख्तियार करना कि जब हम ये बात चाहते हैं तो उसके लिए इल हासिल करना बेहद ज़रूरी है शरीय जबितों के मुताबिक इल हासिल करके हम और आप इसकामत की राह इख्तियार कर सकते हैं वरना अगर हर कोई इस्तकामत इख्तियार करना चाहे और इम को नजरअंदाज करे इल से दूर हो अहकाम से दूर हो दीनी उसूल और जवाबित से अगर वो दूर हो तो वो गलत रास्तों पर भी जा सकता है महज इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि मैं दीन पर साबित कदम रहूँगा दीन पर इस्तेकामत के साथ रहूँगा और वो इल्म से दूर हो, उलमा से दूर हो इल्मी मजलिसों से दूर हो तो उसका नतीजा ये होगा कि वो गलत रास्तों पर इस्तेकामत इख्तियार करेगा जो रास्ते के शरीयत के नहीं हैं जो रास्ते के मनहज सलफ़ के नहीं हैं ऐसे रास्तों पर चलने लगेंगे हम और आप रोज़मर्रा हर नमाज में ये पढ़ते हैं इस दिन मुस्तकीम अल्लाह हमें सिरात मस्तकीम पर चलाइए सिरात मुस्तकीम क्या है यही राह इस्तेकामत है और वहीं पर हम पनाह भी मांगते हैं गैरलमकजूब आलिम व्लिन के हम ऐसे ग्रोह से पनाह मांगते हैं जो मकजूब आलिम है कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ था और गुमराह थे उनसे मुराद कौन है यहूद और नसारा है कुर करीम में जा बजा अल्लाह आलमीन ने इन दोनों की मिसालें बहुत ज़्यादा दी हैं कि ये ग्रोह ऐसा था मकजूब अलैहिम यहूदियों का ग्रोह ऐसा था कि जिनके पास इल्म था अल्लाह ने उनको इल्म दिया था लेकिन वो उस इल्म के जरिए से वो अपने आप को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे थे बल्कि इल्म के जरिए से वो गुमराह हो रहे थे और दूसरा ग्रोह वो है जालीन का ग्रोह नसारा का ग्रोह जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म दिया इल्म नहीं दिया था और वो इल्म हासिल नहीं करना चाहते थे अपने हवाए नफ्स के अपने शबहत अपने शहवाद के पीछे चलने वाले थे अपनी मनमानी ख्वाहिशों के पीछे अपनी आरा के पीछे वो दीन पर अमल करने वाले थे कुरान करीम में अल्लाह तह वमन अगलन तबाह हदम मिनल्ला के ऐसे रास्ते पर चलते थे कि जिसका हुकुम अल्ला ने उन्हें नहीं दिया था वह दीन पर चलना चाहते थे दीन पर इस्तकाम इख्तियार करना चाहते थे लेकिन इल्म नहीं होने की वजह से हासिल नहीं करने की वजह से वो लोग गुमराह हो गए अल्लाह ताला ने उनकी तजिमत की और ये लोग क्या करते हैं तारीख इस्लाम में अगर हम देखें बेशुमार ऐसे गुरोह बेशुमार ऐसी जमातें और बेशुमार ऐसे लोग गुजरे हैं जो दीन पर इस्तेमत इख्तियार करना चाहते हैं लेकिन सहाबा के तरीके से नबी के तरीके से हटकर इख्तियार करना चाहते हैं कुरान करीम ने वैसों के बारे में कहा वो अपने आप में समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और एक आयत में बताया लहू आमली अमली फराहू हसना ऐसे लोगों के साथ शैतान खेलता है जो इल्म के रास्ते से हट जाते हैं इल्म हासिल नहीं करते शैतान उनके साथ खेलता है उनके बुरे आमाल को अच्छे बनाकर पेश करता है उनके ख़राब कामों को मुजयन करके पेश करता है फराहू हसना उनके गलत काम हैं लेकिन शैतान उनको दिखाता है कि तुम अच्छा कर रहे हो तो ज़रूरत इस बात की है कि राह इस्तेकामत में इल्म इल का बहुत बड़ा किरदार है हमें और आपको चाहिए कि हम जब दीन पर साबित क़दम रहना चाहते हैं राह इसमत पर चलना चाहते हैं तो शरीयत का जो इल्म है किताबुल्लाह और सन्नत रसूल्ला का जो इल्म है वो इल्म हासिल करें उलमा की मजलिसों में बैठें और शर्य जाबितों के मुताबिक इल्म हासिल करें उसी वक्त हम सही मानी में इसकामत की राह पर चल सकते हैं अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें और आपको इस की राह अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और ग़लत तरीक़ों से जो गुमराह फ़िरके होते हैं अल्लाह तआला उन सब से हमें महफूज़ रखे अल्लाह तआला हमें और आपको कहने सुनने और अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए अमीन तकबल और आलमीन व सल अल्ला नबील करीम्समैकम वरम्बरकू